कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है पश्चिमी चंपारण के बघा एक में। यहाँ के आपको फिरोज आलम साहब है सभापति प्रतिनिधि, इनसे आपको हम परिचय करवाते हैं और इनके द्वारा इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी इनसे हम लेते हैं। पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से, पहले सर आपका चैनल में, हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है जी। पहले तो आप अपना परिचय देंगे और सभापति महोदया के बारे में आप बताएंगे। जी, मेरा नाम फिरोज आलम हुआ जी। मैं बघा नगर परिषद माननीय सभापति श्रीमती जैना खातून का माननीय सभापति प्रतिनिधि भी हूँ जी, और पति भी है। नहीं, सभापति क्या पति नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी है, चेयरपर्सन। मैं माननीय जैना खातून का पति हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में कितने प्रतिशत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। देखिए, माननीय सभापति श्रीमती जैना खातून के नेतृत्व में जब से बघा का कमान मिला उस समय से हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा कि जो भी लोगों का मूलभूत सुविधा है उसमें हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। और उस समय देखा गया था, उस समय बघा नगर परिषद में वहाँ पर एक भी मकान मैंने इशू नहीं किया गया था लोगों को, जबकि प्रधानमंत्री आवास देखा जाए तो 2014 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उनका एक सोच था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी का एक सोच था कि सिर्फ जो गरीब जो हैं देहात में रहते हैं, शहर भी रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बहुत पहले था, इंदिरा आवास भी चालू हुआ था, मगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक विचार है कि नहीं, गरीब जो है सिर्फ देहात में नहीं शहर भी रहते हैं। तो 2014 से प्रारंभ किए मैंने, शहर में मकान बनना शुरू हुआ था और उस समय मकान नगर परिषद द्वारा इशू नहीं किया गया था कि मकान वहाँ, हम लोग जब आए उसका लाभ हम गरीबों को देना शुरू किया। अभी तक हम लोग 3000 आवास गरीब लोगों को वितरण कर चुके हैं, अब काम चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि लोग यहाँ पर भी पैसा का सही मैंने उपयोग कर रहे हैं और अपने मकान में भी काम करा रहे हैं जी। और आपके द्वारा यहाँ पे आपके अंतर्गत कितने सारे लोगों को शौचालय मिला, चूंकि बहुत सारे जगहों पे हम देखते आ रहे हैं कि रोड पे एकदम इतना गंदगी फैला करके रखता है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आया है, इसका मतलब शौचालय योजना पे भी कार्य हुई है। देखिए, हमारी व्यवस्था पहले, हम लोग आने के पहले जी यहाँ पर लोग खुले में बहुत ज्यादा शौच करते थे जी। हम लोग अजीब लगा कि बघा शहर है, नगर परिषद है और देखा गया था जगह जगह लोग शौच खुला में करते थे, जिसे केजरीवाल जी पूरे जगह अनुमंडल वहाँ पर जगह जगह वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है। अब बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एड जो हो रहा है, अगर मान ली कैलाश नगर है, कैलाश नगर यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है, बचा हुआ है और उसको रात को कोई तबियत खराब हो रहा है, उनको बघा मंडल अस्पताल आना पड़ रहा है, तो फर्स्ट एड के लिए अगर मोहल्ला क्लिनिक खुल जा रहा है तो लोगों को हर सुविधा वहीं मिलेगी। वहाँ के फर्स्ट एड जो होता है, मान ली पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, रात को 12 बजे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सुविधा नहीं आने के लिए वो लोग वहाँ पर फर्स्ट एड करा सकता है। अगर सीरियस पोजिशन को रेफर करने के बाद उन्हें मंडल अस्पताल आना पड़ेगा। आपके ये जो नगर है, ये कितने वार्ड का आपका ये नगर है? ये नगर है 35 वार्ड में है। कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी? कुल लगभग इसमें लगभग 1.5 लाख होगी, लगभग 1.5 लाख लगभग है। हमारे चैनल के माध्यम से और क्या बताना चाहेंगे आप अपनी जनता को? देखिए, हम जनता से, यहाँ की जनता के आभार है जी, और आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग 5 साल काम किए जी, हम जहाँ भी गए हैं अभी देख रहे हैं, हर वार्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव जनता को मैंने वोट देना है, चेयरमैन और उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद को। पहले हम लोग वार्ड कमिश्नर बन के तब वार्ड कमिश्नर के माध्यम से चेयरमैन लोग बनते थे जी जी जी। अब जो नया सर्कुलर आया है, आदेश जारी हो गया है गवर्नमेंट की, अब जो चुनाव होगी जनता चुनेगी, तो जनता में जाने के मौका मिल रहा है, जनता काफी खुश है हम लोगों काम से। मैंने आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जनता हम लोग बहुत खुश है, इसे बहुत खुशी हो रहा है और काम करने का हौसला मिल रहा है, हमको उम्मीद है कि जनता फिर मौका देगी। अच्छा, एक चीज और मुझे सुनने में आया कि बिहार में तो बहुत सारे जगह पे अविश्वास वगैरह लगता है 2 साल 2.5 साल बिताने के बाद में, आखिर यहाँ पे क्या कारण रहा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
बगह में हमको उम्मीद है कि ये पहला बार हुआ था ये जब माननीय सभापति श्रीमती जेलना खातून के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे चेयरमैन का जी। तो यहाँ का हम सभी माननीय पार्षद को धन्यवाद देना चाहेंगे जी कि उन्होंने निर्विरोध चेयरमैन बनाया। अच्छा आप निर्विरोध बने थे? निर्विरोध माननीय सभापति श्रीमती जेलना निर्विरोध चेयरमैन बने थे बिल्कुल। और अब आपको आप चैनल के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला और उम्मीद हुई कि हम लोग कुछ करेंगे जी। और हम काम करते गए उसमें लोगों का भी काफी श्रेय मिला। हमारे पास पार्षद जितने भी लोग थे उन लोगों भी काफी श्रेय मिला। और जो देखा गया कि पूरा बिहार में बहुत सारी कठिनाई भी थी, लोग तो चलना भी मुश्किल हो गया था और हम लोग क्या काम करना प्रारंभ किया उसको जी। तो जो शौचालय जो था वहाँ लोगों को देना था क्योंकि सरकार का आदेश था देना है मगर पहले दिया नहीं गया था। हम लोगों ने देखा कि भाई शौचालय अगर नहीं दिया जाएगा तब तक पूरा नहीं किया जाएगा, लोगों को दिया नहीं जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ। जो सब मजबूरी थी क्योंकि गरीब लोग थे और वो शौचालय बनाने नहीं सकते थे तो हम लोग सबसे पहले उस शौचालय पर काम प्रारंभ किया। उसमें लगभग 6,200 शौचालय गरीब लोगों को व्यक्तिगत शौचालय का लाभ दिया गया जिसकी राशि 12,000 रुपये मुहैया कराया गया और लोग अनुदान दिया गया क्योंकि लोग हमने सरकार के बात था कि 12,000 रुपये दे कि लोग को अपने पैसा लगा कर कुछ शौचालय का बनाए तो अच्छा शौचालय लोग बनाए। अच्छा क्या क्या कारण रहा जो आप ये नगर का वार्ड कमिश्नर का चुनाव आपकी वाइफ लड़ी, रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन यही था कि हम लोग पहले बाहर में जाते थे दिल्ली और बम्बई में देखते थे कि वहाँ पर नगर परिषद जो नगर निगम भी है तो नगर निगम में बहुत साफ सुथरा सफाई देखते थे हम लोग मिलता था। हम लोग सोच आए कि बगहा में क्या नहीं साफ सकता है क्योंकि बगहा पहले 2017 में हम लोग देखे थे जो सर्वसर्वेक्षण लोग आने बने जो सर्वेक्षण हुआ था पूरा बिहार में हम बगहा सबसे गंदा शहर मैंने उसमें रिपोर्ट में आया था जी। अब पेपर में देखे हम लोग भाई बगहा शहर बहुत गंदा है तो हम लोग ये सोचा कि बगहा को अच्छा क्यों नहीं गंदगी मुक्त करे, गंदगी मुक्त करे, बगहा को अच्छा करके बगहा का नाम पूरा बिहार में हो, पूरा भारत में बगहा के लोग जाने। उसमें हम लोग काम करना प्रारंभ किया। एक शौक थी कि लोगों को सेवा कर चुकी हमारे फादर पर हथियार थे और हम वकील के काम वकालत करते थे और फादर का भी कुछ सहयोग किए कि हम सिदारी में आए मगर सिदारी से पैसा तो हम लोग कमाए। अब सोचा है कि लोगों को सेवा पेशा किया जाए और बगहा को एक सुंदर आकर्षित कैसे बनाया जाए कि बगहा के वो नाम हो उसी हम लोग काम प्रारंभ किया। एक सोच आया और उस पर काम प्रारंभ किया, लोगों को काफ़ी सहयोग मिला। आप सबसे बड़ा सहयोग मिला हमारे माननीय वार्ड पार्षद लोगों का। 2017 में जो हम लोग आए वो सोच था कि हम लोग चेयरमैन बने और माननीय सभापति श्रीमती जेलना खातून को हम लोग वार्ड पार्षद बनाए और इसमें वार्ड में आपको जान की बहुत खुशी होगी कि पूरा जिला में हमारे वार्ड में माननीय सभापति जो है जेलना खातून जो वार्ड पार्षद बनी थी इस वार्ड में सबसे ज़्यादा वोट में जिला में जीती थी। सर यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिला है जो बहुत ही अनोखा लगा है चूँकि अभी हम आ रहे थे तो ना ही मोतिहारी में ना ही बेतिया में लेकिन ये छोटा सा नगर निगम है आपका ये तो यहाँ पे हम देखें यात्री से हमको एकदम दिल्ली वाली स्टाइल में ये कहाँ से सोच लाए आप? देखिए हम जब भी जाते हैं बाहर दिल्ली या बम्बे कुछ वहाँ से यूनिक आइटम लेते हैं जी और उसको हम ले आके यहाँ पर बगहा की जमीन पर हम लोग चाहते हैं दिखाने के लिए और जिसका देने की हम लोग काफी काम करने का मौका मिला। बीच में मेरा गाड़ी कहीं ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा आपके कार्य को देखते हुए यहाँ के जो भी कमिश्नर थे वार्ड कमिश्नर जो भी थे सभी लोग मिलकर के अविश्वास नहीं लगाए? नहीं लगा, बोले कि नहीं जो भी है बेहतर किए हैं तो भैया हम लाएंगे तो बेहतर करने के लिए ही लाएंगे, क्योंकि जब यही बेहतर कर रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों लाए। ये तो हुआ है जी बिल्कुल। यहाँ के माननीय जितने बार पार्षद है और धन्यवाद के पात्र है जी बिल्कुल, उन्होंने भी हमारे काम को काफी सराहा, काम करने का मौका दिया। बीच में कहीं भी अविश्वास का बात ही नहीं थी, इसे हम लोग बहुत निर्धक होकर हम लोग काम किए जिसका देन है आज पब्लिक का जो हम लोग सेवा करने का मौका मिला। हम लोग सेवा किए हैं हर क्षेत्र में किए, वो शौचालय हो, आवास हो, सैनिटाइजर हो, कोरोना काल हो या आपको जो भी काम किए रोड हो, नाला हो, मतलब कि हम लोग उम्मीद से ज़्यादा काम, हमको उम्मीद नहीं था इतना हम लोग काम कर पाएंगे। ये थे हमारे फिरोज आलम साहब सभापति प्रतिनिधि, इनसे मिलवाए हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज़। जय हिंद जय भारत।